वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। मैं रोहित चौधरी, मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्सपुरा में सीनियर लेक्चरर केमिस्ट्री। सो हम जैसे कि सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो आइंस्टीन ने 1905 में सजेस्ट किया कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। उसी कंसेप्ट को ल्यूस डी ब्रैगली, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने 1924 को एडवांस किया कि जैसे लाइट का फोटोन का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, उसी तरह हर एक मटीरियल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयरन बॉल, माइक्रोस्कोपिक हो पार्टिकल या मैक्रोस्कोपिक हो, उनका भी ड्यूअल करेक्टर होगा, यानी कि वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और जो वेव इन पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगी उसको कहा उसने मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या था? द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद एनी मटीरियल पार्टिकल उसने कैलकुलेट किया बाय एनोलॉजी विद फोटॉन्स। उसने कहा इन केस ऑफ फोटॉन, अगर जो हम अज्यूम करते हैं कि उसका वेव करेक्टर है, तो उसकी एनर्जी कैसे दी जाएगी? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ई इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ न्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव और एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि फोटोन का कैसा नेचर है? पार्टिकल, तो उसकी एनर्जी दी जाएगी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फिर एम इज द मास ऑफ एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या था? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के, तो एनर्जी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ही बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। मींस एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बट हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो इसको इक्वेशन फोर को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमें मिलेगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी सी कट जाएगा तो एच बाय लैम्डा एम सी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। डी ब्रॉगली ने पॉइंट कवर किया कि जो अबव इक्वेशन है वो हम किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मास है फोटॉन का उसको रिप्लेस करना पड़ेगा उस चीज़ के मास से, उस पार्टिकल के मास से जिसका हम वेव नेचर स्टडी करना चाहते हैं। वेलोसिटी ऑफ द लाइट को रिप्लेस करना पड़ेगा विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और इसीलिए फॉर एनी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं जो वेवलेंथ लैम्डा है वो किसके बराबर है? एच अपॉन एम बी, वेयर एम इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और अबव इक्वेशन को कहा गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, और वेवलेंथ को कहा गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दिस इक्वेशन शोस कि जो हमारा लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, डैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब जो वेवलेंथ है वो एक वेव करेक्टर है और मोमेंटम जो है एक पार्टिकल करेक्टर है, जो ये बताता है कि जितना ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा होगा उतना ही वेव करेक्टर कम होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, हमको पता है कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो सिर्फ एप्लीकेबल है ऑल मटीरियल पार्टिकल्स के लिए, लेकिन जो इसका सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। ये क्लियर होगा एक एग्जांपल से। अगर हम एक बॉल लेते हैं जिसका मास कितना है? सिर्फ 100 ग्राम, जो कितनी स्पीड से चल रही है? 60 की स्पीड से। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ क्वेश्चन से हम जो वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएट होगी वो कितनी होगी? एच अपॉन एम बी, यानी कि 6.626 × 10⁻³⁴ डिवाइडेड बाई 0.1 × 60, जो आती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³⁴ मीटर, जो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी वेवलेंथ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन उसी के अदर हैंड अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसका रेस्ट मास होता है 9.1 × 10⁻³⁶ kg, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली -30 kg, और स्पीड सेम होगी 60 की स्पीड से, तो उस केस में जो वेवलेंथ आएगी वो आती है 10⁻⁵ मीटर, जो एक्सपेरिमेंटली मेजर की जा सकती है। सो एक बात क्लियर होती है कि जितना ज़्यादा पार्टिकल का मास होगा उतनी ही कम उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ होगी।
इसीलिए जो हमारी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, डे टू डे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारी बाल, कार, हम मूविंग पार्टिकल्स, उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो हमें नहीं दिखती है। दैट इज द वेव एसोसिएटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।